हेलो दोस्तों, दिन क्रेडिबल दुनिया में आपका स्वागत है। नॉर्थ कोरिया हमेशा से अपने अजीबोगरीब कानूनों के लिए जाना जाता है। इस बार फिर से खबरों में छाया हुआ है, पूछिए किस लिए। दरअसल बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने एक फैसला लिया है। उन्होंने ये आदेश दिया है कि देश के सारे पालतू कुत्तों को मार दिया जाए, ताकि उनको मार कर, उनको पका कर लोगों को खिलाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी को ये पता है कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे विश्व का अर्थनीति तबाह हो गया है, और वही हालत नॉर्थ कोरिया की भी है। नॉर्थ कोरिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक एक वक्त का खाना के लिए लोग तरस रहे हैं। तो इस भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े लीडर किम जोंग उन ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने पूरे देश में ये आदेश जारी किया है कि जिन जिन लोगों के पास पालतू कुत्ते हैं, सारे कुत्तों को सरकार को देना होगा, जिससे कि उनका खाना पकाकर लोगों की भुखमरी की समस्या कुछ हद तक दूर किया जाए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 2018 में नॉर्थ कोरिया ने एक कानून जारी किया था, जिसके तहत कुत्ता पालना कानूनी अपराध है, और अगर आप कुत्ता पालते हैं तो आपको $148 यानी कि करीब 11,000 रुपये फाइन के तहत आपको देना होगा। तो चलते हैं फिर मुद्दे पर। तो सरकार की तरफ से कुछ लोग चुने गए हैं जो कि घर घर में जाके पालतू कुत्तों को जबरदस्ती उठा के लाने का काम करेंगे, और इसका शुरुआत होगा नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से। किम जोंग उन का ये फैसला के बाद नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे लोग नाखुश हैं, और जाहिर सी बात है, अगर आपका पालतू कुत्ता को लेकर मार दिया जाए और उसको खाना बनाकर लोगों को दिया जाए तो कोई भी खुश नहीं होगा। लेकिन कुत्ता पालने वालों के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय अपने लीडर की एक-एक बात को पालन करे बिना। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ये कोरोना के काल में भुखमरी से निपटने के लिए जो फैसला लिया गया है, आप इससे कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।